नाज़रीन, आवाम की राय के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद, और आप इस वक्त देख रहे हैं सहमति टू न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद सलीम साहब के साथ, जो कि क्वालिफाइड पर्सन हैं सलीम मेडिकल हॉल के, और साथ डिप्लोमा होल्डर भी हैं डिस्पेंसिंग के मामले में, जो बात करता जाऊँ। और सबसे बड़ा मसला जो है ना आज हम इस वक्त जो उठाने जा रहे हैं वो ये है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स वाले हैं और ख़ास तौर पर जितने भी क्वालिफाइड पर्सन हैं, उनको किसी किस्म की इंजेक्शंस लगाने की जो है ना कोई इजाज़त नहीं है, ना कोई बीपी उसको ब्लड प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं ना वो लोग चेक कर सकते हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर पे ये है कि पर्ची के ज़रिए जो भी मेडिसिन आती है वो आप सिर्फ दे सकते हैं। आप पता कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसको भी आप दवाई जो है ना वैसे नहीं दे सकते। ये हमारा जो है ना कानून जो है, और ख़ास तौर पर इसमें एक इनिशिएटिव लिया था चीफ जस्टिस साकर नसार साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी पाइक्स डॉक्टर बैठे हैं उनको ख़त्म किया जाए। हालांकि उनको ये मालूम नहीं कि ये बहुत सारे देहात ऐसे हैं कि जहां से ट्रैवलिंग करते हुए मरीज़ जो है मोस्टली एक्सपायरी हो जाता है, और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस पर नज़रसानी की जाए। इसी हवाले से हम लोग बात करते हैं मोहम्मद सलीम साहब के साथ कि ये वो क्या इस बारे में अपनी जो है ना राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। आप काफ़ी अर्से से मुझे बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक मेडिकल हॉल बना के बैठा हुआ हूँ। हाँ जी, 96 से। 96 से, और मोस्टली आप क्वालिफाइड पर्सन भी हैं, आप डिस्पेंसर भी हैं, और हुकूमत पाकिस्तान इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि इतने दूर दराज इलाके में आप यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे बेसिक हेल्थ सेंटर DHQ यहाँ से काफ़ी फासले पे है, कोई भी इमरजेंसी आ जाती है आप उसे ट्रीट नहीं कर सकते, और वो बंदा रास्ते में जाते जाते एक्सपायरी हो जाता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान आपको इजाज़त दे दे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट इमरजेंसी करवा के वो बेशक आगे मूव कर सके, ताकि उसकी सेहत जो है ना सेहत मतलब यानी कि जान जो है ना उसकी बच सके। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान नु अपने जेडे मेडिकल स्टोर है, जिन्हें भी मेडिकल स्टोर है उन्होंने थोड़ी बहुत ही फर्स्ट एड दी इजाजत होनी चाहिए, ताकि जेड़ा मरीज आ वक्ती जड़ी आ मुआवनत की जा सके। ते लेकिन सानू स्टोर वालों इंजैक्शन की भी अपनी इजाजत नहीं है, BP अपरेटिस की भी नहीं है, यानी कोई भी असी फर्स्ट एड नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट नू इस बारे च जेड़ा अपना जिहड़े दूर दराज इलाके आ देहाती इलाके आ उन्हां दे विच ना तो इत्थे BHU आ, ना इत्थे RHC आ, ना इत्थे अपना तहसील हैडक्वार्टर आ, ना DHQ है। दूर दराज जिहड़े इलाके आ ते उत्थे लोगां नू यानी कोई रस्ते दे विच कोई उन्हां नू कोई एक्सीडेंट होया दा कोई पट्टी दी इजाजत भी नहीं गी, जिहड़ा कि इंसानी हमदर्दी दे तहत वो हर इंसान का ही हक बनता भी वह दूसरे की हेल्प की जाए। तो लेकिन सानू एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई थोड़ी के लिए हाँ परमिशन नहीं, परमिशन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट नू इस बारे जेड़ा अपना इन्होंने फर्स्ट एड की इजाजत देनी चाहिए आ, क्योंकि देहाती लोग आ दूर दराज इलाके आ इन्हां दे विच इन्हां दी मुआवनत दे वास्ते एक स्टोर वाला ही है जिहड़ा कि उन्होंने कोई थोड़ा बहुत गाइडलाइन या उहदी हैल्प कर सकता इंसानी हमदर्दी दे तहत। अगर इहदी भी इजाजत नहीं तो फिर साडा मुसलमान होण दा तो फिर कोई नाता तलक ही नहीं है। सलीम साहब, मोस्टली चक्कों में जो है ना कोई MBBS डॉक्टर्स नहीं होता, अगर वहाँ पे कोई मेडिकल स्टोर भी बना के बैठा है ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं फिर ठीक है ना, कोई पर्ची तो आनी नहीं है, तो उसकी अर्निंग फिर कहाँ से होगी? करने हो बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ये सब तो बड़ा इशू है जी। हुण इत्थे ना कोई BHU है, सिर्फ असी अल्लाह दे रहमो करम ते हैं, तो इत्थे ना तो कोई BHU हैगा, ना RHC आ, ना कोई तहसील हैडक्वार्टर है, तो सिर्फ इंसानी हमदर्दी तो यही है ना भी चलो को आए मरीज नू कोई उन्हूं फर्स्ट एड दिती जावे, उन्हूं को थोड़ी बहुत जिहड़े चोलस्तान दे विचों दूर दराज का किसी का 30 किलोमीटर का रस्ता किसी का 40 किलोमीटर का वो भी जिहड़ा अपना कितों पैदल आ कोई चोलस्तान दे विच कोई सड़कां का इंतजाम कोई नहीं गा, तो इस तरह का यानी इलाका हैगा जी, जिहदे विच
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਲਗਾਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੁਕਤ